सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकस्टार एडिटिंग चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइटरूम ऐप से कुछ इस टाइप का एडिटिंग करके सिखाने वाले हैं। आप भी ऐसा फोटो लाइटरूम ऐप से कैसे एडिट कर सकते हो, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। बहुत ही सिंपल स्टेप में इसको हम एडिट कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर से कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर अपने फ़ोटो को लाइटरूम ऐप में शेयर कर लिए हैं, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं लाइटरूम ऐप पे। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो फोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन एक कलर वाला दिखने को मिल जाएगा, तो कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको एंड इसके कलर को हमको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो कलर को एडजस्ट करने के लिए आपको मिक्स कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ओके, फिर सबसे पहले आपको ग्रीन कलर वाला ऑप्शन पर आना है एंड इसके सैचुरेशन का आपको पूरा फुल कर लेना है। ठीक है, और इसकी ह्यू को +100 करीब का लेना है। ओके, फिर आपको येलो वाला ऑप्शन पे आना है, इसके भी सेचुरेशन को आपको ह्यू को +98 करीब कर लेना है। ओके, इतना कर लेने के बाद आपको ब्लू वाला ऑप्शन पे आना है, इसके सेचुरेशन को पूरा फुल 100 का लेना है और लेमिनेस को -21 के आसपास रख लेना है। ठीक है, एंड इस वाला ऑप्शन पे आना है, इसके भी सेचुरेशन को पूरा फुल कर लेना है 91 करीब। तो फ्रेंड, इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पर टेम्परेचर के वैल्यू को आपको माइनस कर लेना है, तो इसको हम -18 के आसपास रख लेते हैं। ठीक है, इसको -18 के आसपास रख लेने के बाद फिर से कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड ब्लू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसके लेमिनेस को और माइनस कर लेंगे। ठीक है, करीब -27 करीब कर लेंगे। इतना करने के बाद ये सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो है हमारा फेस का कलर है, इससे हमारा फेस गोरा होता है, तो इसके लेमिनेस को आप लोग बढ़ाओगे तो हमारा फेस जो है ब्राइट होगा। ठीक है, लेमिनेस को हम 44 कर लेते हैं और सैचुरेशन को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो सैचुरेशन को -29 के आसपास रख लेते हैं। तो इतना ऑप्शन हो जाने के बाद अभी आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, कुछ इस टाइम में अभी हमारा फोटो हुआ है। अब क्या करेंगे, डन वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे एंड फिर आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन को बढ़ा लेनी है, करीब 38 करीब। ठीक है, एंड फिर आपको लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले फ़ोटो में हाईलाइट को कम करना है। फ़ोटो में हाईलाइट और वाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो सबसे पहले हाईलाइट को हम कम करते हैं। ठीक है, तो हाईलाइट को -13 के अराउंड रख लेते हैं और वाइट्स को भी कम कर लेते हैं थोड़ी सी, करीब -16 के अराउंड। ठीक है, और थोड़ी से कंट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं ताकि फ़ोटो दिखने में अच्छा लगे, तो 16 के करीब कंट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं और शेडो को भी बढ़ा लेंगे गाइस, तो शेडो को हम 26 के अराउंड रख लेते हैं और ब्लैक्स को माइनस कर लेते हैं -6 के अराउंड। ठीक है, इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर से कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मिक्स कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ब्लू वाला ऑप्शन पर आएंगे एंड इसके लेमिनेस को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, करीब 8 करीब कर लेंगे। ठीक है, एंड फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कर्व वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड वाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड बीच वाला लाइन पकड़ के कुछ स्टेप से आपको नीचे की तरफ ले जाना है ऐसे। ठीक है, और इसको कुछ स्टेप से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, इतना कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा एंड फोटो में थोड़ी सी विगनेट दे देना है। ठीक है, ताकि फ़ोटो दिखने में अच्छा लगे, तो इसको हम करीब कर लेते हैं -44 के अराउंड। ठीक है, और फेदर को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे हम, करीब 68 के अराउंड कर लेंगे और फोटो में क्लियरिटी को भी बढ़ा लेंगे, तो क्लियरिटी को बढ़ा लेते हैं 17 के अराउंड। ठीक है, तो फ्रेंड इतना ऑप्शन हो जाने के बाद फिर आपको ट्रेंगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना है। नॉइज रिडक्शन को आपको 21 के आसपास बढ़ा लेना है। ठीक है, 31 के आसपास, और शार्पिंग को थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, तो शार्पिंग को हम बढ़ा लेते हैं 11 करीब और नॉइज रिडक्शन को 31 करीब। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा जो फोटो है पूरा अच्छी तरह से एडिट हो चुका है, आप लोग बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखो बिफोर कैसा है, ठीक है, बिफोर देखो कैसी फीकी फीकी सी फोटो हमारी लग रही है एंड आफ्टर देखो कितना मस्त लग रहा है फोटो एंड काफ़ी अच्छा कलर टोन भी हो चुका है। एंड इसको गैलरी में आपको सेव करने के लिए आपको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करना होगा, तो आपकी जो फोटो है गैलरी में आसानी से सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर लेना। और आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करवाना चाहते हो तो हमको इंस्टाग्राम पे DM करो,
आपको इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आईडी इंस्टाग्राम का दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ से भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो फॉलो कर लेना, मिलते हैं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।